हेलो फ्रेंड्स, वर्नू जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो जुड़ी हुई है बॉलीवुड के सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन से और उसके साथ बॉलीवुड के नए उभरते हुए कलाकार यानी कि आयुष्मान खुराना से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों आयुष्मान खुराना बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्में देते नजर आ रहे हैं और इनको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि बहुत जल्दी ही अमिताभ बच्चन के साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे आयुष्मान खुराना। यानी कि इन दोनों की फिल्म गुलाबो सिताबो बहुत जल्दी ही सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। यानी कि इस फिल्म का जो रिलीज डेट था वो था 17 अप्रैल 2020। यानी कि भैया अप्रैल के महीने में इस फिल्म को सिनेमा घर में आना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म का भी रिलीज डेट टल चुका है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि भैया ये फिल्म अब सिनेमा घर में रिलीज नहीं होकर ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। तो मतलब बहुत जल्दी ही इस बात की घोषणा हो जाएगी कि ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। क्या ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी या फिर अमेजॉन प्राइम पर या फिर ये फिल्म चली जाएगी डिज्नी हॉटस्टार पर। वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं सुजीत कुमार और इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो लुक है वो बहुत ही यूनिक है। तो आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है और आपको क्या लगता है भैया, जिस तरीके से बहुत सारी फिल्मों के बारे में अब जो खबरें आने लगी हैं कि भैया फिल्में सिनेमाघर में रिलीज नहीं होकर 2020 में ओटीटी पर रिलीज होंगी, तो भाई इसके बाद में और कितनी फिल्में इस लाइन में आ जाएंगी अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्नू जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।